मैंने बनवा लिया है परमिट, तो इसमें है मिशुका यांग्क्यूंग। लोग भी सोच रहे होंगे यार होटल ले लेता, कई जगह में आपको आयरन नहीं है। आपको वेलकम करता हूँ मेघालय माउंटेन से। ब्लॉग्स, तो अभी मैं हूँ त्री बेनी में। कल रात मैंने यहाँ पे कैंपिंग की थी अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ से 1100 किलोमीटर, काफ़ी भी कंटिन्यू 200 किलोमीटर कवर करने वाला हूँ। उसके बाद ही रुकूंगा अपना पेट्रोल रिफिल के लिए। तो यहाँ पे मेरे को लोकेशन काफ़ी अच्छा लगा, देख रहे हो पूरा जंगल है। तो यहाँ पे निकलते हाथी। सो इस टाइम मैं आसाम त्रिपुरा रोड पे हूँ, तो यहाँ पे एक 2-3 फ़ोटो खिंचवा ली भाई ने। तो अभी जाना है मेरे को, लेफ्ट से जाना है। तो काफ़ी अच्छा रोड है, लेकिन थोड़ा बोरिंग है क्योंकि सीधा सीधा रोड है। सो तो आसाम ने गुवाहाटी पहुँचना है, तो लेट्स सी कहाँ पहुँच पाते हैं। से गुवाहाटी है 300 किलोमीटर, और ये रास्ता जो है ना बिल्कुल मक्खन की तरह है, बहुत जल्दी जल्दी किलोमीटर कवर हुआ। बस एक ही दिक्कत है, ये सीधा सीधा रोड है ना भाई साहब, नींद बहुत आती है। तो अब क्या करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो रेस्ट करने के लिए अपने पास ये है, तो चलिए फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, कुछ बनाते हैं, यहाँ पे खाते हैं और फिर आगे की तरफ। गरम गरम चाय पीते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर पा रहे होंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सोलो राइड पे। अभी भी बहुत दूर जाना है और बहुत जगह ऐसे हैं जो मेरे को एक्सप्लोर करनी है। तो मेरे वीडियो में बने रहना, हो सके तो लाइक सब्सक्राइब करके मारना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर, टाइम हो चुका है लगभग 1 घंटा, यहाँ पर मैंने आराम से बिताया और वीडियो वगैरह एडिटिंग की थोड़ा बहुत एंड अपलोड भी कर दी मैंने, जो रिसेंट वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेस्ट किया था, काफ़ी टाइम रेस्ट किया और काफ़ी मज़ा भी आया। तो अभी मेरे को आसाम हिट करना है, तो आसाम यहाँ से 497 किलोमीटर है। तो टाइम अपडेट गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4, बस पूरा जंगल है यार।
अभी 4 बजे करीब मैं रुक गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो यहाँ पे छोटा सा ढाबा है तो थोड़ी देर के लिए सो गया था, अभी भी उठा हूँ और अभी ब्रश कर रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी जब भी नॉर्थ ईस्ट आएंगे इस साइड आसाम गुवाहाटी साइड, तो पानी देख के यूज़ करना, बिकॉज यहाँ पे जो नल से पानी आता है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा आता है। पूछ लेना एक बार फिल्टर वाटर है या नहीं, नहीं तो खरीद के मुंह वगैरह धो लेना। अगर आप आयरन के पानी से मुंह धोगे या फिर ब्रश करोगे ना, आपका दांत जो है ना लाल हो जाएगा। सांबादिक है क्या? रिपोर्टर है आप? रिपोर्टर नहीं है, मैं घूमता है और वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, तो एक तरह का रिपोर्टर टाइप भी हो गया। हाँ, कहाँ जाते हैं, वीडियो करते हैं। तो रात को आ रहा था ना? अच्छा, 3:30 बजे। हाँ। तो थोड़ा रुक गया, ठंड भी हो रहा था और अंधेरा भी, चलाते हैं लोग। अभी कहाँ तक जाएगा? गुवाहाटी नहीं, अरुणाचल जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नींद में चलाते होंगे, कभी दाया कभी बाया, पता ही लगता होगा। डर लगता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, डर लगता है ना? क्या फिल्टर वाटर है ना? हाँ, फिल्टर किया हुआ है वो, इधर ऐसा ही है पानी, बहुत आयरन है। सिलगुड़ी गुवाहाटी है ना, आयरन बहुत ज्यादा रहता है। गुवाहाटी में भी कई कई जगह में आपको आयरन नहीं है, कोई कोई जगह में आयरन है। बहुत कम आता है। तो कैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे यार होटल ले लेता। देखो, अगर आपने लॉन्ग राइड करना है, काफ़ी दूर जाना है, तो आपको पैसे बचा बचा के चलाने होंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे होटल लेंगे 1000-1500 रुपये दे देंगे तो लॉन्ग राइड बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई यूट्यूब से मनी आता नहीं है, मेरा पर्सनल मनी है, ठीक है, सेविंग्स है मेरे, तो उसी से घूम रहा हूँ। तो मेरे को एकदम देख के चलाना है और पैसे वगैरह कम खर्चने हैं, तो इसी से लॉन्ग राइड होता है। तो लास्ट में जब मैं घर पहुंच जाऊंगा उस टाइम आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पूरा बजट कितना लगा है, कहां पे कितना मैंने खर्चा किया है, उस हिसाब से आप लोग को सारा बजट लिस्ट भी बता दूंगा कि आप मुंह धो लिया है मैंने, और यहाँ पर मेरा रफ्तार है, और यहाँ पर छोटा सा ढाबा है अंकल का, तो चाय वाय पीते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लेते हैं। उस रात में मैंने अच्छा खासा कवर कर दिया रोड, ठंड भी बहुत थी, मच्छर भी बहुत आ रहे थे हेलमेट में, तो बहुत मुश्किल है रात को राइड करना। ट्रक्स जो है ना दाया बाया पता नींद में चलाते, इसलिए मैं रुक गया और थोड़ी रेस्ट किया। तो अभी ब्रश वश करके अब थोड़ा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। कहीं क्या रात जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में क्यों चांदनी पड़ गए। आई मीन मेघालय, वेलकम टू शिलोंग। तो अभी मैं शिलोंग में हूँ, कैपिटल ऑफ मेघालय। काफ़ी बढ़िया जगह है, पूरा हिल जगह है, गाड़ी रोकने के लिए जगह भी नहीं है। चढ़ाई देख रहे हो मेरे भाई, गाड़ी चढ़ेगी क्या चढ़ेगा, रास्ता बहुत टफ है भाई, रास्ता बहुत टफ है, मेघालय का रास्ता बहुत टफ है। एक मैं जगह में जा रहा हूँ जिसका नाम लिंजीरिंग है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है। मेघालय के जंगलों में घूम रहा है क्या? अरे मेघालय के गलियों में भी घूम लिया भाई। वेलकम करता हूँ मेघालय माउंटेन से, ठीक है। ये विलेज है, विलेज का नाम आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है। सो पीछे का एक बार आप लोग को व्यू दिखा देता हूँ, कतई लाजवाब है। मैं पिछले 24 घंटे से राइड कर रहा हूँ इस लोग, यहाँ पे आया मैं और इतना पीस है ना भाई साहब, मज़ा आ जाता है। यहाँ पे सनसेट हो रहा है, Thank you.
जो ये लोकेशन है ना शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर है भाई साहब, यहाँ तक आते आते मेरी हालत पतला हो गया, मतलब इतना अपहिल, इतना चढ़ाई और इंजन में इतना प्रेशर पड़ता ना भाई साहब, मज़ा आ गया। और यहाँ पे आकर इतना पीस है ना, मतलब क्या ही बताऊँ। अब एक बार आप लोगों को आजू बाजू दिखा देता हूँ कैसा है, ठीक है। तो आगे सनसेट हो रहा है और आगे का व्यू कुछ ऐसा है, रास्ता ऐसा है और आगे जाके विलेज है। आप लोग को यहाँ पे नाम आ रहा होगा विलेज का नाम क्या है, मेघालय पे। सो अभी मेरे को जाना है शिलोंग पे, वहाँ पे रुकूँगा और वीडियो वगैरह मैं एडिट करूँगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को, और कुछ कमी पेशी हो तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं भी वो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अपना जो रफ्तार है ना यहाँ पे, इसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वो मेरे को यहाँ लेके आ जाता है, मैं ठीक है, लव यू रफ्तार फर्स्ट ऑफ ऑल। और भाई साहब एक बार और देख लो यार, मैं तो मतलब जी मन नहीं भर रहा, मतलब ये लोकेशन देख के ना, सनसेट हो रहा है ना भाई साहब, मज़ा आ गया। तो चलिए फिर गाइस, हमें अभी डाउनहिल जाना है, शिलोंग पहुंचना है, तो वहाँ पे मेरे को होटल लेना है, दो दिन से नहाया नहीं हूँ, और वीडियो वगैरह एडिट करना है, और थोड़ा मेघालय शिलोंग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और मैं थोड़ा फाइंड करूँगा लोकेशन, और देखते हैं कल वो लोकेशन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश की तरफ हिट करेंगे। सो गाइस, इस टाइम मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, तो यहाँ पे परमिट बनाना पड़ता है, तो मैंने बनवा लिया है परमिट। तो इसमें है मिशुका यांगक्यूंग ऐसे बोल के है, तो 60 रुपीज़ का परमिट बनता है। तो यहाँ पे गेट है, यहाँ पे बनवा लेना, अगर यहाँ से आप चले जाओगे आगे तो तकड़ा फ़ाइन हो सकता है। सो मैंने बनवा लिया है, तो घूम के आएंगे अब, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वहाँ पर ज़रूर दे दूँगा आप लोग को।